That was a beautiful combination of rhythm, grace, and expression. Let their artistic expression serve as an inspiring example of beauty in all of us. Shrutha, you know, people say laughter is the best medicine, and I guess it's time to laugh our hearts out. Oh, you're right, Sishthi. So let's inject the dose of laughter in the environment and get ready to laugh out loud with this hilarious stand up comedy. गुड इवनिंग एवरी वन आई एम मृतुलसु जस्ट यमेडी आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस हाँ ये प्रोफेशनल से याद आया ये जो सी बी एस ई के डिफिकल्ट स्टूडेंट होते हैं ना भाई तूने डी पी पी कर लिया क्या अरे भाई सांस तो लेने दे और गर्ल्स मैम ये डबल क्लिक कैसे करते हैं मैम हो टू क्लिक डबल क्लिक

मेरे साइज की तो जूते भी नहीं आते <laughs> लेकिन सीरियसली यार मेरी जिंदगी में बहुत दुख है मेरी हालत आरसी भी जैसी हो गई है <laughs> आज तक बस दिल ही जीतते आया हूं उसके अलावा कुछ नहीं बट 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 आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली वो उसके लिए नहीं जो रंस वगैरह वगैरह इसी बात से याद आया मैंने एक बार अपने मम्मी से पूछा मम्मी आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन लगता है मम्मी फटाक से विराट कोहली मैं भी शौक हो गया ये कब से क्रिकेट देखने लगी अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मम्मी क्यों देखने में बहुत अच्छा है अरे भाई ये क्या लॉजिक है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मम्मी ये बताओ वो बास्केटबॉल खेलता है क्रिकेट बास्केटबॉल हाँ तो मैं बता रहा था आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली उनका जो सेलिब्रेशन का अंदाज है ना मानो विकेट गया सब टीम आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं उधर से हमारे बिहार सब साहब आएंगे यस यस अपोनेंट टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ भाई सीरियसली यदि गली क्रिकेट में ऐसा हो जाता ना पता चलता तीन चार का मर्डर हो गया तो सेलिब्रेशन से याद आया आई वॉन्ट टू शेयर अ इंसिडेंट एक बार मैं सरस्वती पूजा में घर आया मैं भी बचपन से हॉस्टल में ही रहा हूँ दस साल गुजार दिए तो मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ तो एक बार घर आया तो हमेशा हॉस्टल में रहता था सरस्वती पूजा मनाता था एक ही चीज़ बार 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 तो सोचा एक बार घर चलते हैं इस बार गाँव का मजा लेंगे तो लगा लिया बुखार और चले गए घर और वो हमको दिन याद है मूर्ति विसर्जन का दिन था ओ भाई वहाँ अलग ही चल रहा है और मैं कोने में है भाई ये क्या हो रहा है अरे तेरे को डांस करने नहीं आता कोई आके धक्का दे के जा रहा है? मैं कोने में ऐसे ऐसे कर रहा हूं समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं लेकिन हॉस्टल में रहा था कुछ आइडिया तो सोचना पड़ता इसलिए मैं डिसाइड किया कुछ तो करना पड़ेगा तो भाई कुछ नहीं करना है ये और ये दो उंगली निकालना है कोई भी गाना हो आप ट्राई कर लो कोई भी गाना हो भाई गाँव का बात आ रहा है तो गाँव का जो है ना ये लव स्टोरी बहुत तगड़ा होता है मैंने एक बार देख सुन बात करते हुए देखा हुँ, 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 हुँ। कैसी हो मतलब इन लोगों ने एक अलग ही लैंग्वेज बना लिया हम्म आपने खाना खाया हाँ खा लिया क्या खाया चलिए यहां तक ठीक है क्या खाया कैसे खाया अरे भाई मुंह से अरे दीदी मुंह से नाक से थोड़ी खाऊंगा चोरी हटाइए मेरा आज का टॉपिक है डॉग ये पैट डॉग पैट पीईटी टी <laughs> ये पैट डॉग और इंडियंस का ना अलग ही रिलेशन है दिक्कत इनके रिलेशन से नहीं है दिक्कत तब होता है जब इनको ये लगता है कि मैं इनके इस रिलेशन को मानूं मेरे एक मासी के पास भी है डॉगी जिसका नाम है टॉमी तो मैं एक बार गया अपने मासी से मिलने देख के हाँ पड़ा रहा लगता है खा जाएगा और मौसी टॉमी नो टॉमी नो चलो मृतुल भैया को हेलो बोलो टॉमी हम्म अरे पता है ये बातें भी करती है अंदर का बात जान लेती है टॉमी आपने खाना क्यों नहीं खाया गंदी बात अरे भाई इतना प्यार से तो मम्मी ने कभी नहीं पूछा टॉमी उधर से मैं अरे मासी कुत्ता है मौसी खबरदार तूने कुत्ता बोला तो मेरे जिगर के टुकड़ा है ये मेरे जिगर के टुकड़ा आज से मेरे दो बेटे एक मृदुल एक टॉमी अरे नहीं बनना भाई इसका हाथ तो तब हो गया जब ये मा, मासी टोमी से कहती है जा मोस्टी मृत्यु तो क्या घुमा लाओ अरे कुत्ता आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच